हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं चैनल हेल्पिंग अभी, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो मैं लाइव डेमो अपवर्क के जॉब के ऊपर बना रहा हूं। कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं हर चीज को नहीं दिखा सकता, बट मैंने आज दिखाया है कि कैसे पीडीएफ को कन्वर्ट हम लोग वर्ड में करते हैं और वो जो वर्ड है दैट इज फिलेबल, और वो फिलेबल होता है, ठीक है। तो मैंने एक्रोबैट का यूज किया है, एडोब का। तो आप देखिए, मैंने डेस्कटॉप पे बकायदा बताया है कि कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एडोब यूज करते हैं तो बहुत ही यूजफुल होता है ये जो एडोब का जो प्रोडक्ट है, बहुत ही आसानी से हमारा काम कर देता है, बहुत ही मिनटों में हमारा वर्क फिनिश कर देता है। और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद ही आप इस लेवल पे पहुंचोगे कि इस तरह के वर्क कर पाओगे। और जैसा देखा कि $40 का जो जॉब था वो मैंने कितना कम समय में ये करके क्लाइंट को सबमिट कर दिया। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक फाइल जो उन्होंने दी है उसे मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, ये 19 पेजेस का है, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या किया, फाइल फाइल पे गया, सेव एज अदर गया, एमएस वर्ड और वर्ड डॉक्यूमेंट पे गया और मैंने यहाँ पर अपना डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। हमारा वो तैयार हो चुका है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं 100% पे ले आता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, उन्होंने बोला, क्योंकि कन्वर्सन में क्या होता है कि जो फॉर्मेट है ना वो प्रॉपर नहीं रहती है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये फॉर्मेट प्रॉपर है या नहीं। तो अभी आप देखिए, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारा जो फॉर्मेट है बिल्कुल सही जा रहा है, और क्या ये फिलेबल है, देखिए बिल्कुल। आप लोग यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो बिल्कुल ये फिलेबल है, कितना परफेक्ट ये हमारा कन्वर्ट करके दे चुका है। तो हमें इसे चेक करना पड़ेगा, और ये सब तो बिल्कुल सही जा रहा है, सही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इशू आ गई है कि ये जो एप्लीकेंट नेम है ये बिल्कुल काफ़ी डिस्टेंस पे आ गया, और हम लोग देखें कि पेज नंबर जो 7 पे है यहाँ पर कैसे है, फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेंट नेम है, उसके बाद यहाँ पे हमें फिल करने के लिए स्पेस चाहिए, और बिजनेस नेम, टुडेज डेट, ये जो कि वहाँ प्रॉपर नहीं है, ठीक है। जब ये प्रॉपर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, तो इसे मैं देखिए, ये इसके पहले मैं बैक स्पेस दबा के मैं इसे बैक कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली बिजनेस नेम जो है इसको भी करना है हमें, टुडेज डेट है इसे भी हमें लेना है। तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे आप इस किस चीज़ का कब यूज़ करें, ठीक है। तो हमने क्या, अब चेक कर लेते हैं क्या ये फिलेबल है। अब हम लोग यहाँ पे देंगे और कुछ भी टाइप करके देखते हैं, तो हमारा टाइप हो रहा है, तो एग्जैक्टली हमारा ये फिलेबल बन चुका है, ठीक है। देखिए मैंने एडोब एक्रोबैट प्रो वर्जन का यूज़ किया है, उसे कितना परफेक्टली हमारा कर दिया। अब आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डार्क है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से अंडरलाइंड है इसको एक बार क्लिक कर देंगे, देखिए कम डार्क हो गया इसमें, अब सही दिख रहा है। तो इस तरह करके अब देखिए मैंने इसको 19 पेजेस को कैसे फटाक सा कन्वर्ट कर लिया, और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, और मैंने क्लाइंट को ये दे दिया। तो ये पीडीएफ कन्वर्सन का जो मैंने एडोब का यूज़ करके कन्वर्ट किया, कभी कभी क्या होता है कि हमें कन्वर्सन नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम लोग वन नोट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो नाइट्रो पीडीएफ से काम चल जाता है, और बस इतना करके हम लोग ने सबमिट कर देना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इसमें पकड़ बन जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि कब क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आप फॉलो करें, और दैट्स इट, बस देखिए कितना काम आसान हो जाता है। और एंड दुआओं में याद रखना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्दी। सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद।